नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। 26 जनवरी के दिन जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं विदेशी खिलाड़ियों द्वारा भारत को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में शुक्रिया कहा और पूरे भारत को भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 26 जनवरी को पीएम मोदी की चिट्ठी का जवाब ट्वीट करते हुए दिया था, मगर अब गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में अपना आभार प्रकट किया है। केविन पीटरसन ने अपने ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर चिट्ठी साझा करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इंस्टाग्राम पर धन्यवाद कहा उसने सभी भारतवासी का दिल जीत लिया। पीटरसन ने अपने इंस्टाग्राम पर हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने धन्यवाद करते हुए लिखा कि आदरणीय मोदी जी, मुझे लिखे गए खत में अविश्वसनीय रूप से जिस तरह की भावना आपने जताई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2003 में भारत में कदम रखने के बाद से मुझे हर यात्रा पर आपके देश से और भी प्यार हो गया। भारत के वन्य जीवों की रक्षा के लिए आप जो कुछ कर रही हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हालांकि उन्होंने यही बात इंग्लिश में ट्विटर पर लिखते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ खास लोगों का धन्यवाद अदा करने के लिए चिट्ठी लिखी, जो भले ही विदेशी हैं लेकिन उन्हें भारत में काफी प्यार और सम्मान दिया जाता है। इसमें केविन पीटरसन, क्रिस गेल, जॉन्टी रोड्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।